गाइस, लॉकडाउन को बहुत टाइम हो गया है और भगवान की दया से हमारे पास 4 पैसे हैं, तो हम अपने घरों में, फैमिली में हैं, हमारे पास छतें हैं अपनी। लेकिन जो लोग बेघर हैं, एक शहर से दूसरे शहर आके रह रहे हैं काम की वजह से, अगर आपको कोई दिखता है कि कोई भूखा है तो प्लीज़ उसे खाना खिला दीजिए। अगर आपको कोई दिखता है प्यासा है तो उसे पानी पिला दीजिए। गर्मी बहुत हो गई है, अपने घरों के बाहर एक एक कटोरा भर के पानी का रखिए ताकि पंछी पानी पी सके। यही टाइम है, कोरोना रहेगा आज है कल नहीं, लेकिन इंसानियत हमेशा रहनी चाहिए। गाइस कर दो यार, मज़ा आ जाएगा, बड़ी शांति मिलेगी। जब आप कोई कटोरा पानी का रखोगे उसमें से पंछी पानी पी रहे होंगे ना, तो आपको बड़ी शांति मिलेगी कि यस यार मैंने सही किया। कर दो, मज़ा आ जाएगा। गाइस मैं बहुत खुश हूँ कि मैं खाती पीती मोटी हूँ, और जितने भी मोटे हैं सब खुश हो जाओ। एक बड़ी अच्छी बात बताने जा रही हूँ, जब लॉकडाउन खुलेगा हम बाहर निकलेंगे तो सब कहेंगे हाउ क्यूट यार, तुम तो वैसी की वैसी हो, क्योंकि हम तो पहले से ही मोटे हैं और क्या मोटे दिखेंगे। लेकिन जो पतले हैं ना, ये बाहर निकलेंगे ना, इनकी तो वाट है, शर्म के मारे मुंह नीचे हो जाएंगे, पेट लटके होंगे, डबल चिन, बुरे हाल, क्योंकि कितनी देर कोई घर में एक्सरसाइज करे यार, जिम जिम ही होता है। देखना बड़े क्रॉप टॉप पहन के घूमती थी ना मेरे आगे आगे, पालो उन माँ वाले क्रॉप टॉप। सारे मोटे हो गए, वेलकम टू मोटा वर्ल्ड। किसने कमेंट किया कि मैं चाइना से हूँ? दिमाग क्या चटक गया है क्या? मैं चाइना से हूँ बोला है, मेरा आँख छोटा छोटा है बोल के क्या मैं क्या चाइना का लगता हूँ? हैं, दिमाग क्या चटक गया है? हैं, शहर में रह, आज तो मेरा तकिया और बिस्तर भी बोल पड़ा। थोड़ा उठकर बैठ जाओ, छत पर घूम लो तो थोड़ा हम भी सांस ले लें। उठा उठा गोरे खाऊंगा एग्स। अभी कोस्तो आरामी हो भाई, जा बस किने लाइज जा। तो देखो 2-2.5 घंटे सुबह लगाते हैं पार्क में और शाम को सत्संग में जाते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कोरोना हमारे नजदीक आ जाए। क्योंकि आप सत्संग जाते हो? सत्संग में जाते हैं, प्यारी समझ गई। तो देखो 2-2.5 घंटे सुबह लगाते हैं पार्क में और शाम को सत्संग में जाते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कोरोना हमारे नजदीक आ जाए। क्योंकि आप सत्संग जाते हो? सत्संग में जाते हैं, प्यारी समझ गई। साड़ी बांधी आज मैंने शूटिंग के लिए, आई नहीं बांधनी, देखो ऐसे ही मैंने, हाय कितना गंदा पल्लू लिया मैंने, ये देखो ऐसे ही मैंने ये उलझने सी बनाई हुई है। मम्मी कहती होती थी साड़ी सीख ले बेटा, कभी कभी काम आ जाएगी, तो मैंने बोला कभी काम नहीं आती मम्मी, कोई नहीं पार्लर है उधर से बनवा लेंगे। लेकिन सोचती कि शायद अपनी माँ की बात मान लेती, क्योंकि आज बड़ी मेहनत लगी साड़ी के लिए। पहले हमारे घर में बहुत शांति हुआ करती थी, फिर एक दिन मैंने जन्म लिया। बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे हैं कि क्वारंटाइन में बाहर तो जा नहीं सकते, ना कोई आ सकता है, तो फिर आप लोग शूटिंग कैसे कर रहे हैं? तो मैं आज बता ही देती हूँ कि हम शूटिंग कैसे कर रहे हैं। ए लो जी वेखो, ए वेखो मुंडा लगा पे मेहनत करता पे बेचारा, ए वेखो ये देखो, ये हमारे पास लाइट है, ये देखो ये हमारा घर ही हमारा सेट है। अब पता चला कितनी मेहनत कर रहे हैं हम, हैं? आए रब्बा की कना। क्या हुआ, खूबसूरत लड़की नहीं कभी देखी क्या? जाओ पजवे तो। कोई है क्या? मुझे यहाँ से निकालो बाबा, मेरा आम खाने का सीजन निकल जाएगा। बच्चों दिल्ली में कुतुब मीनार है, पढ़ने आता है या सोने? पढ़ने। मैंने क्या पढ़ा है अभी? सर दिल्ली में कुत्ता बीमार है। आज का शूट खत्म हो गया, मेकअप उतारो, खाना बनाओ, सॉरी बर्तन भी पड़े हैं,
यूहू हर्ष आवाज कम कर दे यार, मैं बना रही हूँ टिकटॉक। टिकटॉक में कौन सी आवाज आती है यार? आती नहीं, आ गई तेरी। इसे देखता हूँ ये कहाँ फूली बैठी है। क्या हो गया, क्यों फूली बैठी है? अब जाने में दे रही है, शादी में पहले तैयार करवा दिया, अब दिमाग खराब कर रही है, कह रही है ये पहन के नहीं जाएगी भगवान। चल मैं समझा दूंगा, टेंशन मत ले। तुम कुछ ना समझाओगे, तुम तो गुलाम हो उनके, सारी चापर लोसी करते रहते हो। अरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है यहाँ से। बेसुरे हो तुम। फिर तुम्हें गा के सुना। पागल औरत। हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच, बड़ा प्यार दिया आपने हमारे एपिसोड को, जो घर बैठ के हम कर रहे हैं। और लड़का तैयार हो गया, ये देखिए, बड़ा भूला बनता पर है नहीं, ये कैमरे लगे हमारे, देखा, चलो हमें शूटिंग कर। इस वायरस ने सबको परेशान किया है, कोरोना ने जीना हराम किया है, मार दिया है रे हमें मार दिया। मैनू मिठा बहुत पसंद है, चाय पीनी है, कद केक ले आया कर। कोई बात नहीं, चाय पियेंगे ना दही पिघल जाएगी। कदे हाथ तू फड़िया कर, आधा डाल अदरक, हाथ अदरक डाल। क्या पिएगा? दारू। दारू पीऊंगा। छोटू को पिलाएगा? नहीं। तो केले पीऊंगा। कहाँ से आएगा दारू? दुकान। आज मैं लेट उठी हूँ, ना मेकअप किया है ना शूटिंग की है। वो कल जो डलगैनो कॉफी बनाई थी उसने माँ बहन एक कर दी। कंधे इतने दुख रहे, इतने दुख रहे, ऐसे लगता डंडे से मारा किसी ने मुझे। मुझे लगता है कि मेरे ना बाजुओं के मसल पुल हो गए हैं। आए कभी नहीं बनानी कॉफ़ी, मैंने सारी कॉफ़ी फेंक देनी है बाहर। डलगैनो तेरा बेड़ा गर्क हो जाए कॉफ़ी है। मैंने बिल्कुल भी ये कॉफ़ी नहीं बनानी अब नेक्स्ट टाइम, जो ये सब सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। डलगैनो कौन सी कॉफ़ी, क्या नाम है इसका? डॉलगैनो कॉफी। कोई बताता है कि बनानी कैसे? कंधे दुखने लग गए मेरे बना बना। एक मेरी बेटी पूछती है, आंटी आपके साथ ड्यूट कर लूं? बेटा तू पूछेगी, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। माय स्वीट हार्ट, जो मर्जी कर आंटी के साथ, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटियों से। ड्यूट करो, कुछ करो, सब इजाजत है तुम्हें, इन दुष्ट लड़कों को नहीं। डर गए? क्या करूँ अब, घर में बैठे एक ही दो ही तीन काम है बस, कपड़े बर्तन, ये शूटिंग और डराना आपको। दोस्तों हम आ गए हैं, पहली बाइट हर्ष ने मुझे काट के दी है, थैंक यू हर्ष। ओ तेरी खट्टा, ओ तेरी खट्टा। कैसे हर्ष? अरे बोलो कुछ। हाँ बहुत खट्टा है यार। क्या आग लगी थी फिर निकाल के पहले खाने की, वो घास में रहने देते। बहुत खट्टा है यार। क्या आग लगी थी फिर निकाल के पहले खाने की, वो घास में रहने देते। क्यों हो यो? हलुआ हो? चिनी नाले को हलुआ, नेपाली भएर ढिँडो पनि चिन्दैनौ? त्यसरी हैन मैया, यी यसरी टप्प टिप्यो, चप्प चप्यो, कप खायो, लप्त जान्छ। शादी भी कर ले, ऐसी तड़पन के लिए तूने? जात की होती तो शादी भी कर सकती। तूने मो तड़पन के लिए छोड़ दियो ऐसी? तड़प का मेरे दिल पे देख। का देखूं तेरे दिल पे, का देखूं? ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है क्योंकि तेरी अम्मा ना जाए।
दोस्तों आज मैंने धनिया के पत्ते की बिंदी लगाई, मैंने बोला कुछ अलग करें, बोर हो रहे हैं लॉकडाउन में 3 मई तक हो, बट मैं खुश हूँ घर में क्योंकि मैं सेफ हूँ, स्वस्थ हूँ, घर का काम कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ हूँ और मैं बाहर पानी पूरी को ज़रा भी मिस नहीं कर रही, भटूरे छोले कुलचे गोलगप्पे पाव भाजी ये क्या होता है मुझे नहीं पता, ना मैंने कभी ये चीज़ें सुनी है। मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी लॉकडाउन। चलो जी फिर तैयार हो गए हम शूटिंग के लिए, लड़का फिर मेहनत कर रहा है। लड़के 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 के कपड़े देखे आपने, नीचे से शॉर्ट्स ऊपर से, क्योंकि ऊपर ऊपर का हिस्सा दिखता ना टीवी पे गाइस। चलो पढ़े। हाँ यार बोर हो गई घर बैठे बैठे, और घर वालों ने बहुत तंग किया हुआ है, मम्मी जिन्होंने आज तक कभी मैसेज नहीं पढ़ा वो सारी पुरानी मैसेज पढ़ रही है। हाँ और वो छोटी वाली उसने कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं की, यहाँ दिन रात किताबें खोल के पढ़ती रहती है। वो मेरी नीज है दीक्षा पतली सी, हाँ उसको किसी ने कह दिया कि पानी पीने से कोरोना नहीं होता, अब हर 2 मिनट बाद पानी पीती है। यार हमारे घर का कुत्ता पहले बुलाती थी सुन लेता था, अब वो भी नहीं सुनता, इतना गंद मचाता है। कब खुलेगा लॉकडाउन? मेरी बेटी पूछती है आंटी आपके साथ ड्यूट कर लूं? बेटा तू पूछेगी, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है माय स्वीट हार्ट, जो मर्जी कर आंटी के साथ, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटियों से, ड्यूट करो कुछ करो सब इजाजत है तुम्हें, इन दुष्ट लड़कों को नहीं। बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे हैं कि क्वारंटाइन में बाहर तो जा नहीं सकते ना कोई आ सकता है, तो फिर आप लोग शूटिंग कैसे कर रहे हैं? तो मैं आज बता ही देती हूँ कि हम शूटिंग कैसे कर रहे हैं। हेलो जी वेखो ऐ वेखो मुंडा लगा पे मेहनत करता पे बेचारा, ऐ देखो ये हमारे पास लाइट है, ये देखो ये हमारा घर ही हमारा सेट है, अब पता चला कितनी मेहनत कर रहे हैं हम हैं। आए रब्बा की करना। क्या हुआ खूबसूरत लड़की नहीं कभी देखी क्या? जाओ पजवे तो कोई है क्या, मुझे यहाँ से निकालो बाबा, मेरा आम खाने का सीजन निकल जाएगा। बच्चों दिल्ली में कुतुब मीनार है, पढ़ने आता है या सोने? पढ़ने। मैंने क्या पढ़ाया अभी? सर दिल्ली में कुत्ता बीमार है।